इधर इधर ही कर लेते एकदम परफेक्ट। सेंटर मैम सेंटर निकल जा सेंटर निकल जा सेंटर मैडम थैंक यू मैडम देखो इधर मस्त लाइट है एक सिंगल सिंगल हाँ सोलो मैडम एक सिंगल इधर ही लेके आओ ये अच्छा लाइट है इधर लाइट आ गया यार इधर भी अच्छा ऊपर कर अच्छा इधर मस्त लाइट आ रहा है इधर करो ना उसको क्या कर सकते हो बताओ इधर अच्छा आ रहा है इधर भाई आओ ना इधर लो इधर लो इधर लो क्या आगे मत जा रहे जा रहे ये अच्छा लाइट है यार इधर 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 पीछे बेटा पीछे रखो 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 अरे 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 सबको मिलेगा पीछे ना बेटा बॉडी गार्ड ला भाई बैकग्राउंड बैकग्राउड बैठ जा थोड़ा नहीं अंदर अंदर लाइट खराब है और अंदर जाइए और थोड़ा पीछे नहीं नहीं ऐसे पीछे जाओ लाइट लाइट थोड़ा पीछे पीछे बहुत लोग आ रहे हैं यार रकुल जी एक बार यहाँ देखिए हाँ जी एकदम सामने सब लोग सेंटर सेंटर थैंक यू चलो थैंक यू समीक्षा अभी जो भी आएंगे ना सबको उधर ही करो हाँ इधर मस्त है और पीछे और पीछे वो राउंड वो राउंड वो राउंड सर बस 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 सर आजा पीछे आजा पीछे का थोड़ा क्लियर करो पीछे से सब लोग घर जाओ पीछे से सब लोग दादा दादा ये काय करतो बाळा दादा थोड़ी खाली नहीं बराबर है ठीक है अच्छा अच्छा अरे समोर अरे भाटी जी जरा पीछे आओ थैंक यू दादा समोर रितेश साहब बैठना दादा समोर देशमुख साहेब दादा समोर थैंक यू पीछे से हट जाओ सब अरे भारती जी इतना आगे क्यों जा रहे हो अरे पीछे ना भाई इतना आगे मत घुसो
आधी तरफ पीछे आ जाओ। कौन आदमी है? जनरल देशमुख। शेष थोड़ा ठीक धोखा थोड़ा सा बस। ए दादा समूर तेरा मोबाइल आ रहा है मेरे सामने। समीक्षा नीचे 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 अरे भाटी जी थोड़ा पीछे आओ यार। थैंक यू थैंक यू। ठीक सोलो ठीक 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 ठीक। और दादा 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 अरे कौन है? अरे जादव थोड़ा पार्टी आओ। दादा समोर दादा काय उड्या जरा जरा जा थोडा राईट साईड। हा बस तीच एकदम सामने नको लेट हो गया लेट हो गया। चलो चल आगे मत जा जल्दी जल्दी चलो जल्दी जल्दी मुहूर्त निकला जा रहा है। इधर इधर तारा तारा इधर तारा इधर नहीं इधर 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 और इधर बस 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 अरे बस अरे वाइट आया रे पीछे राइट तारा बस बस याद है तारा ये एनएल पिक्चर है। ये एनएल पिक्चर है तारा एकदम सामने देखिए आपका फैन सामने है। इधर एसी है फोटोग्राफर साथ ही द वंडरफुल पीपल हु बैक दिस वंडरफुल प्रोजेक्ट। यहाँ पे वील स्टार्ट विद दिस जेंटलमैन जिनके लिए कह सकता हूं उनकी हर चीज एक्सेप्शनल होती है हर चीज में परफेक्शन ढूंढते हैं। गिव इट अप फॉर मिस्टर भूषण कुमार लेडीज एंड जेंटलमैन। मिस मोनिशा अडवाणी जिनसे कभी भी उनकी किसी फिल्म की ब्रीफ ले लो कि क्या होने वाला है तो वो पैशन ऐसा दिखता है मतलब उनके एक्टर से भी एक कदम आगे दिखता है। गिव इट अप फॉर हर लेडीज एंड जेंटलमैन एंड एज आई कॉल हिम द मोस्ट गट्सी या गट्सीएस्ट डायरेक्टर। Give it up for Nikhil Advani saab, ladies and gentlemen. Come on, make some noise. The karta dhartas of this film. Main aapse sabse pehle aapse hi shuru karne wala hu. Ye kya matlab? Ye matlab sabke dimag mein aaya hoga. Teri galiyan sir. Aur wohi ek villain ki thodi si feel. Matlab sir kya hone wala hai? Like wohi villain le liya, wohi hero hai. Aur gana bhi hai sir, teri galiyan sir. That's just a small tribute to Ek Villain, which
पहली बार सिद्धार्थ रितेश और मैं एक साथ एक फिल्म में आए थैंक्स टू मोहित एंड दैट इट वाज एक विलेन एंड गलिया वाज एन आइकॉनिक पार्ट ऑफ इट सो इट्स जस्ट अ ट्रिब्यूट फ्रॉम अस टू दैट मेमोरी दैट्स व्हाई इट्स पार्ट रितेश कैरेक्टर इन द फिल्म जो किरदार है वो बहुत ही कमीना है तो वो ऐसे कुछ कमीने गाने गाता रहता है फिल्म में तो दिस इज वन ऑफ दोज सॉन्ग्स द कमीना पन गोज ऑन फ्रॉम देयर टू दिस प्लेस राइट भूषण सर दिस वन्स फॉर यू देयर वाज अ टाइम जब प्रोड्यूसर साहब एक फिल्म कर रहे होते थे एक्टर्स तीन शिफ्ट्स में काम कर रहे होते थे नाउ इट्स द अदर वे राउंड लाइक आप तीन पिक्चरों में काम कर रहे होते हैं एक्टर एक शिफ्ट व्हाट इज दिस सर प्लीज टेल अस सी वी हैव अ मींस पार्टनर्स लाइक निखिल एंड मिलाप एंड एवरीबॉडी एंड दे take care of this creative things from us so it's always means if you have team working for you and working with you as partners so you can definitely do multiple projects so we are doing multiple projects but we have great partners to work with so that's the reason nahi sir aur hame bhi maza aa raha hai like everybody is loving it monisha ma'am this one's for you do directors hain ek nikhil sir ek idhar zaveri sir what do you have to say kaun zyada acha director hai kya baat hai oh baba my god एक है मेरा माइलो एक है मेरा नाइलो ये जो है ये मुझे रुलाता है ये मुझे हंसाता है और भूषण जो है वो भी मेरा छोटा भाई है वो मुझे पैसे देता है बड़े अच्छे से पैसे वाली बात में चमक देखनी चाहिए थी और निखिल सर प्लीज टेल अस यू नो लास्ट टाइम व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट दिस ब्लॉकबस्टर जो हो गई ब्लॉकबस्टर और इतने सारा यू नो अक्लीम मिला क्रिटिकल बोलो या बॉक्स ऑफिस पे अभी व्हेन यू सी हिम डायरेक्ट तो बीच में कितनी बार मन किया कि यार ये वाला सीक्वेंस मैं कर लेता कुछ ऐसा कर देता एवरी शॉट हर शॉट हर सीक्वेंस हर मोमेंट हर गाना हर एवरी शॉट बट मतलब मैं ये भी जानता हूँ कि जो मिलाप करता है वो तो मैं कभी करने सकता हूँ मिलाप एंड आई फाइट एवरी मॉर्निंग टू एवरी टू द लास्ट मिनट एवरी नाइट दे फाइनली आई टू टेल मिलाप पुट द ब्लडी फोन डाउन आई कांट टेक इट एनी मोर एंड ही क्राइज एंड आई क्राई एंड वी आर शाउटिंग ऑल द टाइम या सो बट द वन थिंग आई नो इज एवरी टाइम ही गेट्स समथिंग लाइक दिस एंड इफ आई If I can turn around and say that I would never make this, then I know he's got a blockbuster on his hands. It is indeed a blockbuster, ladies and gentlemen. Zordar taliya for this amazing, amazing crew. And Milap sir, I would want you to do the honors because, So I would like to do the honors of calling my cast one by one on stage because along with Bhushanji, Monisha, Nikhil, Madhu, who's not here right now, she's on holiday. You know, they are the ones who are responsible that this film happened. I would like to, being a gentleman, start with the ladies first. I would first like to call Rakul on stage. Rakul, can you please come? I am very grateful to Rakul for playing this special role in this film. It's a special thanks from us to her. For me, she is the Zora of Mukadda Ka Sikandar. For me, she is the Chandramukhi of Devdas in this film. And it, I'm so happy that she agreed to do this special role for us, and I'm very, very grateful to her for that. Thank you so much. Thank you so much, Rakul. And or share ke muh mein haath main nahi dalunga. I'd after this like to call Tara on stage, Zoya, Arzu ke baad Zoya. तारा को देख के एक ही ख्याल आता है हाय मैं मर जावा उसके अलावा और कुछ कहने की जरूरत नहीं शी इज ब्यूटिफुल शी इज टैलेंटेड शी इज डन अ ग्रेट जॉब इन द फिल्म एंड आई थिंक शी विल विन एवरीवन्स हार्ट्स एंड ब्रेक सम हार्ट्स जैसे अगर आपने ट्रेलर देखा हो तो वो काफी दिल भी तोड़ेंगी इस फिल्म के साथ थैंक यू मिलाप थैंक यू आई वुड लाइक टू कॉल रघु द वो मारेगा वो मारेगा तो मर जाऊंगा दोबारा जन्म लेने से डर जाऊंगा सिद्धार्थ थैंक यू फॉर अग्रीइंग टू डू सच अ मासी रोल सिद्धार्थ यू लुक एट मी ऑन सेट एंड से तू क्या करवा रहा है एंड ही स्टिल डिड इट विद कन्विक्शन एंड पावर थैंक यू सिद्धार्थ एंड लास्ट बट रियली नॉट द लीस्ट आई कॉल हिम सेठ जी ही इज बीन पार्ट ऑफ माई लाइफ सिंस आई थिंक आई वॉज बॉर्न ऑलमोस्ट फ्रॉम माई फर्स्ट फिल्म टू नाउ फिल्म में कमीनेपन की हाइट है लेकिन अच्छाई की हाइट में इनसे अच्छा कोई नहीं इस दुनिया में
Ritesh Deshmukh, my friend, my hero, my villain. Please. So it's time for a quick photo op, right? We'll do this, yeah, without mics. And then we'll take this forward, right? Can we have the mics, please? Thank you. So. Rakul, we'll start with you. I have a question for you. Anyway, you know, you're so gorgeous, so talented. आप कुछ भी बोल लो, हम लोग वैसे ही मान लेते हैं. लेकिन अच्छी बात यह है, आज के बाद कोई भी, जितने लोग यहाँ बैठे ना, कोई भी शेर के मुंह में मतलब नहीं डालेगा. थैंक्स सो मच. वो बताया नहीं तो ये लोग तो बस ऐसे ही हम दीवाने हैं. हाँ, पता है, ऐसे ही चलते फिरते. Oh shit, let's shake a leg. Okay, so how was it for you? You know, your experience, quickly we'll do this. Ji, batayen. Experience was very good. Thank you so much, Milap, for all the amazing words. Jo Arzu ka character hai, you know, when Milap told me the role, I thought it was something so refreshing and so different. I've grown up on a dose of 90s cinema. And us type ki filmein aur is type ki dialogue bazi aajkal nahi dekhi jati hai. So jab Arzu ka character mujhe bataya gaya, so I was like, why not, you know, I'll get to do something which is so elegant, you know, she has her own grace, and like he said, when he said Mukaddar ka Sikandar Rekha, so I was like done. I'm so happy with you know, the role. And it's I remember one thing Milap told me jo maine pehle bhi kaha tha, मेरी फिल्मों में हीरोज के भारी भरकम डायलॉग होते हैं, इस बार लड़की के हीरोइन के भारी भरकम डायलॉग्स होंगे. एंड दैट यू हैव सीन, एंड देयर मेनी मोर इन द फिल्म. सो थैंक यू सो मच, एंड दिस एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ मरजावा हैज बीन वेरी वेरी अमेजिंग. एंड आई लाइक टू थैंक द एंटायर टीम, यू नो, निखिल सर, मोनिशा, भूषण सर, एंड सिड, तारा, एवरीवन. इट्स जस्ट बीन ग्रेट. एंड मिलाप, रितेश, आई थॉट वो एवरीवन, आई मीन एवरीवन, द एंटायर टीम, एंड इट्स बीन ग्रेट. Thank you so much for that. Tara, this one's for you. Please tell us, how was it for you? Because wo reaction aapka kya aaya tha? Because all of us were like, everything is going hunky dory, sahi chal raha hai sab, and achanak se dhad. You know, the first time I saw that, in any case, it's such an emotional and dramatic film and story. And in fact, when Milap actually narrated it to me for the first time, I'm in any case an emotional fool. I was sobbing at the office. And when I saw the trailer, I again was sobbing. I saw it just now, I got teary-eyed. So, I mean, it's great to be able to do something and to do a film like this. It's my second film, and I feel so grateful to the whole team, to Milap, to Nikhil sir, to Monisha, to everyone. Right. Honestly, I just feel really blessed and so excited. Thank you so much. Sid, this one's for you, please bataiye. You know, with you, sabse pehli baat, itne fans kahin hum log ko dekhne ko nahin milte hain. Whenever it's your launch, pata nahin kaise, matlab kya hai wo? See? It's what? Awesomeness, see? They're like, baby. Big kiss to all of them. Hi, main mar jaunga. Inko dekh ke lagta mujhe, hi, main mar jaunga. Right. Filhal hum mar gaye hain acting se, action se. So, please tell us about this. Ye kaise, ye kahan se shuruaat hui aur kya hua? Thank you, guys. Well, ye picture, I think, you know, Milap believes in the cinema that we all grew up watching. Ki ek hero ki tarah, chahe entry mare ya hero ki tarah action kare, ya uski dialogue bazi ho. So I personally grew up on cinema like this, and I think mujhe pehli bar, I think itne saalon mein mauka mila hai aisa hero play karne ka. To maine jab narration suna aur Milap ji ki narration sune, inki dialogue sune, to that was the first thing that I got very excited ki yaar karna chahiye. I got inspired to become a hero watching big action heroes, you know, saying dialogues, you know, doing action, hopefully somewhat like this. This is what it is. This is the first time in my career I'm playing a hero and being presented like one, all thanks to Milap and the whole team here on stage. So I'm pretty excited about Marjava on 8th of November, guys. And with my partner in crime, Ritesh, who's slightly shorter this time, but equally powerful and double dose. So we're super excited to present you this film on 8th of November, guys. Marjava. Well, सबसे फिल्मी डायरेक्टर का सबसे फिल्मी हीरो और अब सबसे फिल्मी विलन की बात करते हैं. रितेश भाई, मतलब एवरीबडी, यू नो, इंडस्ट्री में कोई भी हो आपकी अच्छाई की बात करता है, ये वाला कहाँ छुपा के रखा था, ये जो कूट कूट के भरा हुआ है आपके अंदर? ये सिर्फ मेरे सामने आता है वैसे, है ना, ये साइड. हाँ,
दूसरी बार है नहीं बिल्कुल मुझे लगता है कि जब भी मिलाप सिद्धार्थ के लिए रोल लिखता है तो उसको लगता है उसके ऑपोजिट कोई कमी ना होना चाहिए और सिद्धार्थ और मिलाप को पता है कि उसके जिंदगी में मुझसे बड़ा कमी ना कोई है नहीं राइट अब हमको पता लग गया ये क्यों ऐसी कास्टिंग की गई एक बार जोरदार तालियां हो जाए फिर से हमारी इस कमाल की कास्ट के लिए एंड नाउ इट्स ओवर टू ऑल यू वंडरफुल पीपल जी आप लोगों के सवाल जवाब लेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन टू द टीम मरजामा दिस इज सिमरन सिंह हियर फ्रॉम फर्स्ट पोस्ट मेरा सवाल रितेश जी और मिलाप आपसे है Before Sadak, we never knew that a kinder can be so dangerous. And similarly, when it comes to vertically challenged people, we never knew that it can be so menacing. So what was your thoughts behind writing this character? And what was your reaction, Ritesh sir, when you heard the script for the first time? Well, I had written the dialogues for Ek Villain, where Ritesh had played the villain. And I knew if I have to approach him again for a negative role, it has to be something bigger than that. So then bigger to nahi mila lekin usse chota kuch mil gaya thought. So my whole character, the idea was that even though he's short in height, says he's got the arrogance and the persona of someone larger than life. You know, he's got a vicious, wicked sense of humor and he's not physically strong, but mentally he's a mastermind, he's a criminal, he's very, very powerful. So that's why I thought of Ritesh, because I think Ritesh is an extraordinary actor. He has a great sense of comic timing, everybody knows, but he's a great actor in drama too, like Equivalent proved. So this role was a mix of the two things. There was humor, but same time there was menace. So that's why I went to him, approached him, and luckily he agreed to do it. Ritesh sir, what was your reaction? No, first of all, when Milap narrated the film to me, it's an interesting story. And wo kya ki ye film hai, ye role hai, I said, interesting villain naya hai, main karna chahunga. Aur tab director koi aur tha. Aur wo silsila chalta raha, ye ab shooting hai, tab shooting hai. Phir ek minor change hai usme, matlab kya hai, ab director main hu. मैंने मुझे बहुत बुरी तरह तुमने फंसाया लेकिन मुझे रोल इतना पसंद है कि मैं फिल्म करने को तैयार हूँ बट मुझे ये भी लगता है कि ये फिल्म मिलाप से बेहतर कोई नहीं डायरेक्ट कर पाता दूसरी बात ये है कि जैसे मिलाप ने कहा कि यू नो वर्टिकली चैलेंज जब कोई इंसान होता है देन देर आर यू नो लॉट ऑफ इश्यूज दैट दे हैव टू डील विद पर इसका किरदार ऐसा है कि यू नो जब आप फिल्म देखो तो आपको पता चलेगा उसके सारे जो भी इनसिक्योरिटीज़ है उससे ऊपर उठकर इसे लगता ही नहीं कि ये 3 फुट का है ये जब चलता है उसे लगता है कि सामने वाले सब इसके सामने 3 फुट के हैं तो दैट्स हिज एटीट्यूड एंड एरोगेंस और उसके वजह से उसके अंदर की जो नेगेटिविटी है क्रूएल्टी है वो आप जब फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा बट येस आई लव द फैक्ट दैट ही डिडन बॉदर के वो उसकी हाइट कम है वो उसका एक एरोगेंस है उसका एक स्वैग है और मिलाप ज़वेरी के डायलॉग्स है वो काफ़ी है फिल्म करने के लिए निखिल जी मेरा सवाल आपसे ये है कि आज के जमाने जहाँ प्रोफेशनलिज्म की हम बात करते हैं व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस गेस्चर जहाँ पे यू नो जॉन अब्राहम हैज जस्ट गिवन द डेट्स ऑफ 8 नवंबर एंड ही हैज पुश्ड हिज फिल्म पागलपंती व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट वेल आई थिंक दैट आई मीन आई थिंक द पार्टनरशिप दैट जॉन माई सेल्फ भूषण जी MA, JA and T series as well as I mean we have to be very grateful for Milap if Milap was not here we would not have Satyamev Jayate we would not have Butler House and now Satyamev Jayate too. So I think that, I mean, when Milap went and showed him the trailer, he said that it was fantastic. I think he spoke to everybody. He said it's great. And he said, but why are you feeling so upset? And he said, no, I'm not coming on I'm not solo release. So he said, Lele, solo release. What can I do? So he called, I think it's a great gesture. I mean, it's very, and more, I think that the industry is figuring, is understanding that we are working now more and more as a unit, which I'm very happy for. It's been 25 years in the industry. I've been very happy that suddenly everybody is figuring out that, listen, Fridays we are giving hits and we are giving blockbusters. If we all come together and work together, the industry can become only prosper. So it's fantastic. And we are very grateful for that. And I think, thank you for asking that question. I just want to thank John. John, thank you so much for showing grace towards us. Thank you. Yes. Thank you, John. Thank you, John. Ritesh ji and Siddharth ji, aapke left mein. Ye jaanna chahenge ki marne ke baad dobara janam lene mein kitna believe karte hain aap log. And Bhushan ji, aap bhi bata sakte hain. सर मैं रितेश हूं और इस सवाल का जवाब मैं आपको कल दूंगा हाँ एक्चुअली दैट्स कोई खास वजह
कल मैं मर के दोबारा जन्म ले रहा हूँ 600 साल बाद। सिद्धार्थ जी पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल एब्सोल्युटली आई थिंक डेफिनेटली इट्स अ लॉन्ग चेन। मुझे इस कॉन्टेक्स्ट में समझ नहीं आ रहा है, वैसे मर जाओ मैं ऐसा कुछ नहीं दिखा रहे हम, जैसा कि हम कहा है हम कल देखेंगे इनका जादू कि ये कैसे जन्म लेके वापस आते हैं। भूषण जी आप हाउसफुल में आप भी बिलीव करते हैं पुनर्जन्म? कब रिलीज हो रही है? कल हाउसफुल का ट्रेलर लॉन्च है, उसमें रितेश उसकी जिक्र कर रहे हैं एक्चुअली। आज तो उसमें आपको मालूम सर, आज इस जन्म की बात करते हैं, आज का जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आज हम आज के जन्म की बात करते हैं। रितेश मेरा सवाल आपसे है, जिस तरह का किरदार आप निभा रहे हैं वो वाकई बहुत चैलेंजिंग रहा होगा, ट्रेलर बहुत इंप्रेसिव है, हालांकि 90 के दशक की याद दिलाता है और कहीं जहन में कमल हसन साहब भी आते हैं जब आप घुटनों के बल चल के आए, इट रिमाइंड मी ऑफ कमल हसन साहब, ही हैव डन अप्पू राजा। क्या कुछ इंस्पायर भी हुए हैं आप या आपने कुछ रेफरेंसेस लिए हैं, स्पेशली मैं कमल हसन साहब की बात करूंगा, जिस तरह उस वक्त में जिस वक्त टेक्नोलॉजी भी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी उस वक्त वो किरदार निभाया गया था, और मिलन ने भी कहा कि आप कहीं बोलते थे कि यार ये क्या करवा रहा है भाई, लेकिन यू बिलीव ही बिलीव इन द करेक्टर, तो क्या क्या रेफरेंसेस लिए हैं आपने और इट इज़ योर होमवर्क यू नो? तो सबसे पहले मुझे लगता है कि कमल हसन साहब इज़ बियॉन्ड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी हो या ना हो हिज परफॉर्मेंस हिज ग्रेटनेस इज बियॉन्ड ऑल दैट, और इट्स जब हम ये कर रहे थे ऑफकोर्स यू नो इतने सारे एक्टर्स हैं जिनको देखकर लगता है कि इन्होंने कैसा किया होगा, पर फॉर्चुनेटली यू नो मुझ में जो खामियां हैं एज एन एक्टर वहाँ टेक्नोलॉजी आकर हेल्प कर देती है, एंड आई एम ग्लैड जिस तरह मिलाप ने इसको यू नो लिखा गया है डायरेक्ट किया है, और इसके जो VFX है वाकई फ्यूचर स्टूडियोज़ हो या इसको जिस तरह डिज़ाइन किया गया है आई थिंक दे हैव रियली टेकन ग्रेट केयर एंड मेड इट एक्सट्रीमली ईजी फॉर मी एज एन एक्टर। मुझे सिर्फ एक शॉट 5 बार करना पड़ता था, उससे ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई है। और हमें शॉट बिना इनके करना पड़ता था, इमेजिन करते करते कि यहाँ पे इस आई लाइन में है, और जब कभी कभी एक्चुअल आई लाइन देखनी होती थी जब ये खड़े हुए हैं यू नो ये हम लोग ऐसे शूट करते थे। नहीं नहीं सर, तो आप सर जब आप खड़े होते हैं और मेरी आई लाइन क्या होती है, और सर नहीं नहीं मैं मारूंगा मर जाएगा, तो ये कैसे लगता है? नहीं और मेरी आई लाइन क्या थी, कमी नेपन की हाइट तो जानता नहीं है। हेलो, तो ऐसे तो हमने परफॉर्म किए पिक्चर में, देखो इतनी भारी भरकम लाइनें कहां कहां देख के बोल रहा था मैं। कोई शूटिंग देखने आया था वो डर गए थे कि ये कैसी पिक्चर है। आई एम रिमाइंडेड ऑफ मिलाप्स अर्लियर फिल्म, प्लीज स्टॉप इट बोथ ऑफ यू ऑल। तारा हियर, फिल्म में बहुत सारे लोग बहुत सारे डायलॉग्स बोल रहे हैं, आप कम डायलॉग्स बोल रहे हो, तो इन द फिल्म डू वी गेट टू सी यू हैविंग भारी भरकम डायलॉग्स? That's a great question, ma'am. So what really drew me to Marjava and to Zoya's character is the fact that she's actually mute. So in the film, I actually learned sign language for a couple of months before the film, and I feel really lucky to have been able to learn something as universal as that. It helped me so much in the film, and I got so excited that I got to do something like that. It's something I'm actually going to use in my life wherever I travel and go to. But in the film, she communicates in sign language, and I think that's wonderful communication between her character and Raghu's character. I think that's what makes them fall in love, and it's beautiful. So I can't wait for everyone to watch it. Hello. Hello. This is Sakshi from E24. मेरा सवाल सिद्धार्थ से है। थोड़े टाइम पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि आप शायद अभी कोई और नई फिल्म साइन नहीं करेंगे, and you'll analyze. तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल नहीं, मैंने यहाँ पे कुछ भी एनालाइज नहीं किया इनके साथ मैं सीधा कूद गया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये हर कोई एक्टर सोचता है एक पिक्चर साइन करने से पहले कि उसको उस पिक्चर में क्या पसंद आता है, उसको उस पिक्चर से क्या चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस फिल्म में इट गिव्स एन ओथ टू ऑल द हीरोज दैट आई हैव सीन यू नो इन हिंदी मूवीज, एंड आई गॉट इंस्पायर्ड कि क्या शॉट है, क्या एंट्री है, क्या वॉक है, क्या एक्शन है, तो वही एक्साइटमेंट से मैं इस पिक्चर में घुसा मिलाप के साथ, इस डायलॉग्स के साथ, एंड दिस टीम हियर हैज़ मेड श्योर दैट आई बीन प्रेजेंटेड इन द बेस्ट पॉसिबल वे। मेरा पहला एसोसिएशन है भूषण सर के साथ, MA के साथ, एंड आई हैड अ वंडरफुल टाइम विद दिस होल टीम, एंड वी आर होपिंग, वी आर वेरी एक्साइटेड दैट दिस इज नॉट द एंड एंड वील हैव मेनी मेनी मोर फिल्म्स। हेलो, दिस इज सूर्या हियर फ्रॉम बॉलीवुड क्रेजीज। माई क्वेश्चन टू मिलाप सर इज दैट
सर ट्रेलर तो पैसा वसूल है पहली बात तो, दूसरी बात यहाँ पे एक सीन था जो मुझे बहुत अच्छा लगा जहाँ पे रितेश सर एक कुर्सी फेंकते हैं और सामने आईने पे 10 चेहरे दिखते हैं, दैट वॉज ए ब्रिलियंट पीस ऑफ सिनेमा मेकिंग आई मीन सो या सर ये सुनने के लिए मिलाप के कान तरस गए थे उसके जिंदगी में किसी ने इसको नहीं कहा कि ब्रिलियंट पीस ऑफ सिनेमा मेकिंग सर ये सुन के निकल गिर गया इसको मैं पसंद इन फ्रंट ऑफ मी especially in front of me मैं turn करके जा रहा हूँ घर yeah yeah there is also a dialogue called कमीनेपन की हद 3 फुट तो ये सब चीजें ये सब डायलॉग बाजी इतनी कमाल की लगती है मतलब एक पैसा वसूल सिनेमा लग रहा है फिलहाल मुझे और यहाँ पे मेरा बर्थडे भी आता है 8 नवंबर को तो मैं तो देखने वाला हूँ फिल्म लेकिन आप लोग से सवाल कल नहीं बाबा 8 नवंबर को तो मेरा ये सवाल है मिलाप सर से इस तरह का जो सिनेमा है जो मसाला सिनेमा जो बच्चों से लेकर बूढ़े तक को पसंद आएगा कितना डिफिकल्ट होता है बनाने में सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपको इतना अच्छा लगा वो सीन कि मुझे दोबारा पूछा सवाल तारीफ 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 की आदत नहीं है बिकॉज सबकी शिकायत होती है कि मेरा जो सिनेमा है वो बहुत ज़्यादा मासी है और मसाला है और यू नो फिल्मी है तो आई एम वेरी हैप्पी आपको बहुत अच्छा वो बहुत ही यस एवरीथिंग लुकिंग दैट साइड नॉट दिस साइड बट आपने जो बात कही है ऑनेस्टली ये बात मुझे निखिल ने भी कुछ दिन पहले कही कि ये जो एक सेक्शन जो तूने आईना तोड़ के जो 10 रितेश के सर नजर आते एज अ सिंबोलिज्म ऑफ रावण तो ही हिमसेल्फ टोल्ड मी दैट्स वन ऑफ द ओनली एस्थेटिक शॉट्स यू टेकन इन दिस होल फिल्म एंड देन आई सेड वन मोर थिंग व्हाट क्लोज अप क्यों नहीं लिया और उस सीन की खास बात थी कि मैं शॉट देने जा रहा था मैं वहां रुका था और मैं कैमरा के सामने आया कैमरा रोल हुआ और मिलाप ने कहा कट दौड़ के आया मेरे पास एक लाइन आई है लाइन बोल दो मतलब कौन सी मतलब लाइन बोल दे आप बोलो तो बोलता कि एक रावण 10 सर एक विष्णु 10 का सर हेलो हेलो हाय मेरा नाम आरती सक्सेना है यहाँ पे आरती जी मेरा रितेश जी से मेरा सवाल है जी मैम कि मतलब ये करेक्टर ये हम लोग जब आए ना तो हम लोग लगा मर जावा मतलब होगी एक पिक्चर लेकिन जब हम लोगों ने देखा हाँ सही है पिक्चर ही है सही बोला आपने एक पिक्चर ही है हम लोग जैसे हमेशा एक ट्रेलर लॉन्च में आते हैं तो हम लोग ऐसे नॉर्मली आते हैं लेकिन देखने के बाद हम लोग झटके में आ गए थैंक यू जो इन्होंने लास्ट में गोली चलाई आपके जो शॉट्स थे तो मुझे ये पूछना था कि मतलब आपका जो विलन वाला रोल है इसके लिए आप गाना गा रहे थे कि ये घड़ी आ गई इतना अच्छा रोल मुझे मिल गया इतने टाइम के बाद मतलब लाइक इसमें बहुत अच्छा आपका रोल है नहीं नहीं मुझे ऐसा लगता है कि यू नो मिलाप का और मेरा एसोसिएशन काफी सालों से है मेरे करियर में जब भी कोई बदलाव हुआ है तो मिलाप की लिखावट से हुआ है पहले चाहे वो मेरी पहली कमर्शियल हिट फिल्म मस्ती थी जो मिलाप ने लिखी थी जिंदगी में हमेशा ये सोचता था कि यू नो कभी तो विलन बनूं एक रोल होता है हर एक्टर की ख्वाहिश होती है वो एक विलन में मिलाप ने लिखा था और उसके बाद अभी वर्टिकली चैलेंज्ड बनने का भी मौका यू नो बहुत कम लोगों के नसीब में आता है मुझे मिला है सो आई वांट टू थैंक मिलाप फॉर दैट और लगे हाथों मैं ये भी कहना चाहूँगा इट वाज ग्रेट एसोसिएटिंग विथ एमए मोनिशा मधु एंड निखिल दे हैव बीन ग्रेट 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 प्रोड्यूसर्स इतने साल काम करने के बाद देन यू वर्क विथ अ न्यू टीम यू फील re-energized so that's there and it's my first association as producer with Bhushan ji and he has been a fantastic producer and I wish him and all his endeavors all the best and much success hello hi mujhe bolna tha ki aapka jo role hai na ek yaadgar role ho sakta hai in future like aapko koi villain dhyan mein hai jisko dekh ke aapko laga ki aisa main bhi ban jaunga नहीं एक्चुअली क्या है ना मेरी वैसी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं उनकी तरह बनूं क्योंकि जो भी मुझे विलन्स अच्छे लगे दे हैव बीन फैंटास्टिक दे हैव बीन ग्रेट और आई एम नॉट दैट कैलिबर फॉर एक्टर टू रीच देयर बट विद इन माई स्पेस इफ आई कैन क्रिएट समथिंग दैट पीपल से अरे इसने अच्छा काम किया है मेरे लिए वही काफ़ी है हेलो हाई दिस इज सिद्धि फ्रॉम डेक्कन क्रॉनिकल फर्स्टली द ट्रेलर लुक्स रियली अमेजिंग My question is for you, Siddharth and Ritesh. After watching the trailer, I could really feel that I am reminded of the characters Ram and Ravan. So, is Mar Jaawa a contemporary take on Indian mythology? सवाल हमसे पूछा लेकिन जवाब सिर्फ मिलाप ही दे सकता है। हाँ, बिल्कुल। ये रघु और विष्णु के बीच।
Yes, because aap log character ko play kar rahe the. So, is it actually a take on Indian mythology? Like, even after seeing the poster? Well, if you talk about two different extremes, definitely there is a take on one being skewed to slightly positive, one being skewed to a slightly more negative character. But, ye sab aap reference ki baat kar rahe hai, I think, kyunki Ravan hai yahan pe. और वो उन्होंने जो लिखा है जो एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है पिक्चर में रावण को लेकर एक एक जो कल्चर है एक प्रथा है जो होती है इन उनकी भारी भरकम डायलॉग्स भी हैं उसके ऊपर तो आई थिंक मोर देन अस सेइंग एनीथिंग एल्स अबाउट द फिल्म आई थिंक इट विल स्पीक फॉर इटसेल्फ और बाकी ये बताएंगे कि आपने आप रामायण से इंस्पायर हुए वेल मेरा मानना है जिंदगी हर किसी की जिंदगी में कोई राम है कोई रावण है You know, there is good and evil in everyone. So, in this film, that is a subtext of good versus evil. Raghu, his name in the film, actually is one of the names of Lord Ram. So, it has happened organically. It's not a mythological tale. The film is not that. The film is not a mythological tale. It is a masala entertainer. But yes, there is this subtext of good or evil. Dasera plays an important part in the film. Ravan plays an important part in the film. So, no, I just want to agree to what Milap and Siddharth just said. Just the fact that it's about a man fighting for his love and going all out, and that's what even Lord Ram did, and that's what Raghu is doing, and. सर मैंने बच्चन साहब की सारी फिल्में देखी है और कई बार देखी है आज भी देखता हूँ बार बार देखता हूँ और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि यस जब मैंने पहली बार बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं हमारे जो इकट्ठा नहीं हैं जो अलग सिद्धार्थ के साथ शूट अलग मेरे साथ शूट हुए हैं बहुत सारे सीन्स जो हमने एक साथ किए हैं पर जब मैंने उनके पोर्शन देखे तो जो उनका बॉडी लैंग्वेज था जो डायलॉग डिलीवरी थी आई मीन I just felt that, जो 80s या 70s में अमित जी की जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे काफ़ी मिलती जुलती इनकी है इनका डीप बैरिटोन है वो एटीट्यूड है तो आप जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं ऑफकोर्स दैट दैट इज़ देयर एज एन ऑडियंस हेलो सो स्वीट थैंक यू हाँ जी सर आपका सवाल क्या था ओह अच्छा नहीं नहीं वो आई थिंक आई थिंक जब एक एक डायरेक्टर की तरफ से वो सोच आती है कि वो ऐसे किरदार को देख के इंस्पायर हुए हैं मैं भी वही बात कर रहा था कि मैं बच्चन साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ चाहे वो बाकी एक्शन हीरोज़ हो 90s के जहाँ पे मैं पला बड़ा था तो हम सब के जहन में वो होते हैं कैरेक्टर जब हम चाहे परफॉर्म कर रहे हों या लिख रहे हों या डायरेक्ट कर रहे हों तो आई फील एक अच्छी बात है बट हमारा ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं है कि किसी और कैरेक्टर को एम्युलेट करें But definitely वो zone like we have grown up on heroes like him and आज भी वो एक reference है चाहे heroes का action हो उनका एक attitude हो एक style हो तो I think वो reference अगर आपको उसमें दिख रहा है हम बहुत ही excited हैं but hopefully people feel the same on 8 November hello भूषण sir dedicate खैर मुझे मैं I don't think उस मुकाम पे हूँ या कि मैं डेडिकेट कर सकूँ या कुछ भी बट अगर किसी को भी लगे कि वो थोड़ा 1% भी आसपास है सो दैट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी बट जैसे कि मैंने कहा जब मिलाप ने मुझे बताया तो आई थॉट कि ऐसा किरदार मुझे दोबारा करने का मौका नहीं मिलेगा बिकॉज ऐसा लिखा नहीं जा रहा है आजकल यू नो वेर यू कैन प्ले दैट 90s ग्रेस और ये सब और मैंने फिर जाकर वापस मूवी देखी जस्ट टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड दो तीन फिल्मों की रेफरेंस दी थी मिलाप ने मुझे बट Yeah, I'm just happy that I got to play it. Hello, Rahul. Take two last questions, Hello, right? Sir. Like, Haan, your center. Rahul here from the Filmi Charcha. मेरा सवाल चारों स्टार का से पहले सिद्धार्थ से शुरू करते हैं. ट्रेलर बहुत ही अच्छा है और इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये आपकी सारी फिल्मों सबसे टॉप पे ये बेस्ट फिल्म बन जाएगी आपकी. तो बात करते हैं जब मर जावा फीलिंग तभी आती है जब कोई सिचुएशन होता है ऐसा कुछ नौबत ऐसी आती है. एक तो सलमान सर ने किक में बताया था मैनू यार ना मिले तो मर जावा
तो आपकी नजर में आपके कब कब ऐसे सिचुएशन आए थे मर जावा वाली? आहा, कि मैं मेरा अभी हुआ, फैंस को देखता हूँ हमेशा, मेरे को लगता है हाय मैं मर जावा। इन सब का प्यार ऐसा है, जिस तरफ से ये लोग आते हैं हमेशा प्यार दिखाते हैं। आप कोई भी एक्टर जब मिलता है अपने फैंस से, मैं इनसे पहले भी मिला नीचे, तो यू ऑलवेज फील ब्लेस्ड। एंड जैसे हमारे नॉर्थ में बलाएं लेते हैं इसे, हाय मैं मर जावा, और यहाँ पे मिलाप सर ने उसको ट्विस्ट दिया है एक, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। बट वी आर होपिंग कि इस पिक्चर के बाद मर जावा के अलग अलग भी मीनिंग्स आएंगे जो चाहते हैं हमारे मिलाप सर, क्योंकि कुछ कमीने दोस्त भी होते अगर सीरियसली आपको बोल दे ठीक है मर जा तो। ओ ठीक है मर जा, ये क्या, अगर कुछ कमीने दोस्त भी होते अगर आपने बोला हाय मर जावा, हाँ, तो सामने से अगर रिप्लाई करे कमीने दोस्त हाँ ठीक है मर जा, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? ये कहेंगे घर जावा। मैं मारूंगा मर जाएगा। जैसे कि आप भी जानते कि अगर कुछ सिमिलर चीजें होती चाहे रोल हो कैरेक्टर हो या सीन हो तो लोग कंपैरिजन करने लगते हैं, तो कुछ लास्ट ईयर एक फिल्म आई थी जीरो, शाहरुख खान सर की फिल्म आई थी, तो वो फिल्म उतनी पसंद लोगों ने किया था फिर भी उतनी चली नहीं थी, तो क्या कंपटीशन लगता है आपको क्योंकि आप भी एक डॉफ का किरदार कर रहे हैं? नहीं, सबसे पहले अनफॉर्चुनेट मैंने फिल्म देखी नहीं है, पर मैं जब शाहरुख साहब के सेट पर गया था तो मैंने अराउंड 45 मिनट्स उन्होंने मुझे बैठ कर दिखाया था कि वो किस तरह शूट कर रहे हैं, किस तरह उस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, तो लाइव मैंने उनको वो परफॉर्म करते हुए देखा था एंड ही वाज मैग्निफिसेंट। आई थॉट व्हाट दे हैड डन वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ तो उनके जैसा उनकी तरह नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने वो कोशिश ही करना छोड़ दिया। और मेरे लिमिटेशन में मुझे जितना आता है, जितना मुझे मेरे डायरेक्टर ने कहा उतना मैंने किया। अभी आप देखिए आपको पसंद आया तो ग्रेट। रकुल, हमेशा की तरह आज भी आप बहुत बेहद खूबसूरत लग रहे हो आप, तो ये मर जावा फिल्म आपने क्या सोच के हाँ बोला, मतलब कुछ ऐसा लगा आपको क्योंकि छोटा सा किरदार है? सोचती तो हाँ नहीं बोलती। बस मिलाप ने थोड़े से डायलॉग सुना दिए और बस मैं उसमें मैंने हाँ कर दी। बट जैसे कि मैंने आपको कहा, बात लेंथ की नहीं होती, जैसे आपने कहा कि छोटा है, बात धमाके की होती है, कभी कभी छोटा भी धमाका दे जाता है। सो आई थिंक काफ़ी पावरफुल रोल है, एंड जैसा कि इन्होंने कहा मुकद्दर का सिकंदर, अब उसमें अभी तक आप रेखा जी के रोल की बात कर रहे हैं, चंद्रमुखी देवदास की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक मुझे ये रोल बहुत एक्साइट किया। अगेन जैसे मैं कह रही हूँ, बिकॉज ऑफ द कैरेक्टराइजेशन, बिकॉज ऑफ द वे आरजू का कैरेक्टर लिखा गया है, उसकी अदाएँ, उसकी शायरी, काफ़ी शायरी में बात करती है वो, जब आप आगे देखेंगे मूवी तो आपको पता चलेगा। सो फॉर मी इट वॉज जस्ट गेटिंग अ चांस टू प्ले समथिंग विच आई डोंट थिंक आई कुड हैव गॉटन अ चांस टू प्ले otherwise. रवि सर, भूषण सर, हाय, रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज़। भूषण सर, टी सीरीज इस वक्त जितनी बड़ी बड़ी फिल्में बना रहा है, बॉलीवुड में जो दो तीन स्टूडियोज हैं उससे भी कहीं बड़ी बड़ी फिल्में और बड़े बड़े सितारों के साथ काम कर रहे हैं आप। हाल ही में खबर आई थी कि वांगा रेड्डी, जो कबीर सिंह जिन्होंने बनाई थी, मॉन्स्टर हिट फिल्म थी बहुत बड़ी, रणवीर सिंह अब काम करने जा रहे हैं वांगा रेड्डी के साथ, क्या कुछ इसके बारे में कन्फर्मेशन दे सकते हैं, क्या कुछ बता सकते हैं? अभी वी आर डूइंग द फिल्म, लेकिन अभी कोई एक्टर फाइनल नहीं है, ही इज स्टिल राइटिंग द स्क्रिप्ट, तो जब रेडी हो जाएगी तो वी विल ऑफिशियली अनाउंस इट। अप्रोच किया गया सर उन्हें? नहीं, अभी किसी को अप्रोच नहीं किया। ओके सर, वन लास्ट क्वेश्चन वी टेकिंग। जी कोमल हियर फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। रितेश, माय क्वेश्चन इज फॉर यू। यस सर। यू नो, व्हाइल यू टोटली लुक इनटू योर कैरेक्टर इन द ट्रेलर दैट वी वॉच्ड, व्हाई इट दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय द डायरेक्टर एंड निखिल यू आल्सो, when we write characters keeping maybe a dwarf in mind, why do we not have a dwarf actor do this? Because we always lack some kind of representation when it comes to a dwarf actor or a fat actor or you know, an old actor, when these characters are like this, you know, why don't we get actors accordingly? Ma'am, I respect your viewpoint. But as an actor, when someone has approached me with a offer and a role, I think my job is only to see whether I will be able to pull it off, and if the director and the producer have the confidence whether I'll be able to pull it off and do justice to what's been offered to me. As an actor, I am ready to play anything, you know, be it a vertically challenged person, old person, young person. I have played a woman also in. So, हाँ सर, वो भी है, और बहुत सारे पिक्चरों में मेरी हालत कुत्ते जैसी भी हुई है, तो आई हैव प्लेड एवरीथिंग।
Or so I'm open as an actor, I'm open, but as a writer and producer, I'm sure Milap and Milap will answer that. Well, while I feel your question is valid, if you know Mr. Anupam Kher, who's such a great actor, had not played a character older than his years in Saransh so many years back, you never had maybe have had Anupam Kherji. Similarly, there are so many great actors who play different roles. Ayushman in Dreamgirl a few weeks back played, you know, a person who's, they all think he's a girl. So I just think that eventually, while I feel, yes, everyone deserves a right and should get an opportunity, you know, to act and to perform, it's also equally fair that actors get chances to experiment. You know, for Ritesh to be able to play a dwarf, for someone else to be able to play someone older, you know, it's or someone to be, like even Saan Ki Aankh trailer came out a few days back. I loved the trailer. I think it's superb the way Tapsi and Bhumi have done their parts. And I think it's great that actors are taking challenges and coming out of their comfort zone. And, you know, writers are writing, directors are agreeing, producers are agreeing to, you know, do such things. So I just guess it's a matter of who you think fits the role. I knew I needed someone like him because of the wickedness and the humor and the, you know, the performance. That's why I approached him for it. Yeah, my question is to... Gigi, please continue. Yeah, my question is to Monisha, ma'am. The last two films here. Oh, sorry. The last two films you produced and now Marjawa. So what are the parameters which you have in your mind before you say yes to produce a film? What goes in your mind? A good story, really. Okay. You know, I'm just going to link it to what Komalji asked right now, which is when Milap was narrating the story of Marjawa to me, yes, there was, he started by telling me that the villain is vertically challenged. But after, I think, the first 15, 20 minutes of the narration, I forgot about all disabilities. I forgot that the character of Zoya is mute. I just got engrossed in the character itself. And very honestly, I couldn't see anybody besides Ritesh playing that role. And I couldn't see anybody as, you know, we needed somebody who was beautiful and pretty, and she had not yet come into the business, but we knew she used to visit our office sometimes. And both Milap and I, she had come over to my house for a dinner, and I said to him, I said, this girl is so beautiful, can't she be Zoya? So very honestly, very often you get so, and as a producer, yes, we do keep commerce in mind, and I'm fortunate that I've got partners like T-Series with us who, you know, keep that element of it and allow us the freedom, Nikhil, Madhu and myself, to actually find a story where we see people we believe in and then work very hard at ensuring that we put the film together the way we heard it and the way it comes across. Yeah. Thank you so much, ma'am. And it's time for the final photo op as we have to wrap up because the actors have to leave. Yeah. And I'm so sorry, guys.